नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10 Lite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.48 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro में 192 ग्राम जबकि Redmi Note 10 Lite में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Super AMOLED जबकि Redmi Note 10 Lite में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro में 85.8% जबकि Redmi Note 10 Lite में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 10 Lite की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi Note 10 Lite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 618 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G और Redmi Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 10 Lite में 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 10 Lite में 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5020mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 कलर्स जबकि Redmi Note 10 Lite में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 17,605 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi Note 10 Lite की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 10 Lite की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy S25 5G है जो कि 47,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Oppo A16 है जो कि 13,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F22 है जो कि 14,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।